फ्रेंड्स, फ्यूचर इज आईटी एज आई ऑलवेज से। एंड उसमें की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। दोस्तों, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर के सब काम करती है, और इंडिया में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके क्लाइंट्स है। और मेन तो इसका जो जियो मार्ट का जो पूरा काम है ये कंपनी देखती है, जो कि जियो मार्ट आप जानते हैं मुकेश भाई अंबानी का ग्रुप की कंपनी, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो उसका जो भी बैकएंड होता है आईटी का, वो पूरा इन्फीबीम एवेन्यूज के पास ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसका आज का क्लोजिंग था 41 रुपीज़, एंड 52 भी खाया था 59 रुपीज़ का। तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे कंपनी मिल रही है, आप देख सकते हैं 40 और 60, मतलब करीब करीब 40% डिस्काउंट पे कंपनी मिल रही है। इसका पीई है 66 का, जो कि ज़्यादा है, बट ठीक है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, आईटी कंपनी है तो सभी के पी ज़्यादा ही होते हैं। ईपीएस है 0.62 का, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। प्रोमोटर्स के पास है 32%, जो कि अच्छा है। एफआईआई के पास है 7%, जो कि शानदार है। इसका लेवल की कंपनी के पास 7% रहना मतलब अच्छी बात है। डीआईआई के पास है 0.03%, जो कि वो भी ठीक ठाक है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर जो शानदार दिया था कंपनी ने, सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 9 करोड़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 14 करोड़, एंड सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 19 करोड़। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर भी रिजल्ट शानदार दिया हुआ है कंपनी ने। अभी 40-41 के एक सपोर्ट पे आया है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से बाउंस बैक करेगा शेयर। तो इन्फीबीम एवेन्यूज को आप जरूर कंसिडर कीजिए पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ये कंपनी जब चलती है तो आपको 60 का लेवल दिखाएगी, तो आप समझ सकते हैं करीब करीब आपको यहाँ से 50% का प्रॉफिट दे सकती है, 40 और डायरेक्ट 60 हो गया। तो हिसाब से आप इसको जरूर कंसिडर कीजिए पोर्टफोलियो बाय करके होल्ड कीजिए। इसी नीचे जाने वाला शेयर नहीं है, बॉटम आउट हो चुका है 40-41 का रेट। तो इसके लेवल पे आप बाय करके जरूर सोच सकते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज को, और इस बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।